तो आज की गुड न्यूज़ ये है कि पर्दे के पीछे जो आप कहानियाँ देखते हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम की मेहनत होती है। एक कैप्टन ऑफ द शिप होता है, एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर हम जानते हैं, लेकिन जो पूरी टीम होती है उसको संचालित करने वाला एक शक्ति होती है, एक स्रोत होती है। तो ऐसी ही आपको इतनी ढेर सारी कहानियों के पीछे की नारी शक्ति से मिलाने जा रहा हूँ। लोग जानते हैं कि जो कहानियाँ, जो स्टोरीज, जो शोज़ हम देखते हैं उसके पीछे जो एक दिमाग का काम चलता है, एक सबको कंट्रोल करने का काम चलता है, वो एक ऐसी एक नारी शक्ति जिससे आज मिलाने जा रहा हूँ। गुल खान मैम, यू नो हर फ्रॉम वेरियस, मतलब मैं कहाँ से गिनाना शुरू करूँ, गीत, इस प्यार को क्या नाम दूँ, आजकल इमली, मतलब लॉन्ग लिस्ट इज़ रियली लॉन्ग। इतने सारे शोज़ के पीछे इज़ दिस ब्यूटिफुल फेस। तो आज गुल मेरे साथ हैं, हम ढेर सारी बातें करेंगे कि आजकल क्या चल रहा है टेलीविज़न पर, ये कुछ नया भी ट्राई कर रही है इस इंडस्ट्री में। अब आजकल जो बदलती हुई इंडस्ट्री है, कोरोना के बाद एक पोस्ट कोविड एक नई एरा में हम लोग एंटर हो गए हैं, तो टेलीविजन में क्या चैलेंजेस हैं, क्या होगा फ्यूचर, तो आज गुल से इस बारे में हम बात करेंगे। तो गुल, वेलकम टू माय शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो गुल, मैंने कहा कि नारी शक्ति, जो इतनी सारी नारियों की जो कहानी हम सुना रहे हैं, तो मैंने नाम लिया गीत का, बिकॉज आई हैड हर्ड योर नेम फर्स्ट आई एनकाउंटर्ड फ्रॉम दैट शो। उसके बाद मतलब इंडिया में जब आई थी तो गीत मेरा पहला शो था। मुझे याद है कि गीत उस वक्त आया था, कहानी इतनी पसंद की गई, इतनी ज़्यादा पसंद की, उसके बाद तो देन आई थिंक इस प्यार को क्या नाम, उसके बाद तो आपने इतने सारे किरदार रच लिए। तो कैसे हुई थी शुरुआत, मतलब आप कहाँ पे थे और कैसे यहाँ पर आए, एंड हाउ डिड इट ऑल बिगिन? अरे, आई हैड कम टू बॉम्बे काफ़ी स्ट्रगल करके, क्योंकि उस टाइम इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं होती थी, एंड मेरा पहला जॉब जो था, सो आई वॉज एन असिस्टेंट डायरेक्टर इन बूगी वूगी। तो मैं बूगी बूगी में एडी थी, और मैं ऐसे जूहू में वो हॉल में बैठ के सारे, वो उस टाइम तो फ़ोन था नहीं, वीडियोस थे नहीं, तो सब फिज़िकल ऑडिशंस होते थे। तो लाइक थाउजेंड्स ऑफ पीपल वुड कम एंड डांस एंड ऑल दैट, एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। दैट वाज माय फर्स्ट जॉब, सो इट वाज ग्रेट फन। एंड देन आफ्टर दैट लाइक वी केप्ट डूइंग शोज आफ्टर शोज आफ्टर शोज। तो पहले मैं डायरेक्टर थी, फिर प्रोड्यूसर बनी, सो नाउ यू नो ऑल माय शोज एज अ राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर मोस्टली। ये बताया कि मुंबई जो सपनों का शहर है, और खासकर जो मुंबई में नहीं रहते उनको लगता है कि पता नहीं यहाँ पर सपनों का ये टिकट है, यहाँ आते ही सपने सच हो जाएंगे। कईयों के होते भी हैं, कईयों के नहीं होते। तो कितना मुश्किल होता है मुंबई में स्ट्रगल? और मैंने सुना आपने कुछ नया किया है आजकल, हमने कहा कि पोस्ट कोविड दुनिया में एंटर हो रहे हैं, तो कुछ बातें पोस्ट कोविड के बाद अच्छी हो गई हैं, दुनिया थोड़ी सिमट गई है, तो उसमें क्या जो छोटे शहरों के लोग हैं उनके सपनों के लिए, मैंने सुना आपने कुछ नया आप लेकर आ रही हैं, तो बताएं थोड़ा उस बारे में। तो हम लोग ने ये सोचा कि बॉम्बे आना, स्पेशली पोस्ट कोविड में, क्योंकि अब ट्रैवलिंग भी कम हो रही है, बजट्स भी बहुत बढ़ गए हैं, कि आना यहाँ, आप किसी को जानते हैं नहीं जानते हैं, आपका कोई कनेक्शन है नहीं है, तो बहुत सारे लोग, इतने सारे लोग मैसेजेस करते हैं कि वो एक्टिंग करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि वो कैसे होगा। तो हम लोग ने एक नई कंपनी खोली है, जेन के स्टूडियो, उसका वेबसाइट है, आप उसके www.jenk.studio में जाके, आप इंडिया में कहीं पर हों, उसमें हमने पूरे अच्छी तरह समझाया है, आप अपना घर से, अपने घर के फ़ोन से ऑडिशन लेके अपलोड कर सकते हैं, और मैं पर्सनली देखूंगी। आई थिंक लॉट ऑफ पीपल, मुझे भी इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग डीएम करते रहते हैं, तो आई थिंक फॉर यू गुड न्यूज़ ये है कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। टीवी में तो एक्टर्स की इतनी सक्सेस स्टोरी होती है, क्योंकि जब भी कोई काम आता है सब लोग बोलते हैं फ्रेश फेस फ्रेश फेस फ्रेश फेस, मतलब पिछले 10 साल में इतने फ्रेश फेस स्टार्स बने हैं, कितने सारे, मतलब कहाँ से आप शुरू करोगे। तो सक्सेस स्टोरी एक्चुअली, अगर आप में टैलेंट है तो सक्सेस स्टोरी मोस्ट प्रॉब्ली हो जाती है, प्रॉब्लम होती है एक्सेस की। तो अगर हम एक्सेस को स्ट्रीमलाइन कर दें तो फिर सक्सेस होपफुली और बढ़ जाएगी। और जो आपने कहा कि हम देख क्या रहे हैं, इस वक्त हम सिर्फ एक्टिंग टैलेंट देख रहे हैं, क्योंकि बाकी सब ग्रूमिंग से आ जाता है। क्या होता है, आपको लगता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे मेरा तो मुझे पता नहीं, मेरा रंग डस्की है, मेरी हाइट कम है, मेरे बाल ठीक नहीं है, लेकिन क्या, जब आप एक बार यहाँ आते हो बॉम्बे, तो एक पूरी टीम होती है, स्टाइलिस्ट होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, हेयर मेकअप दीदी हो, मतलब इतने सारे, तो वो सब चीज़ें हम टेक केयर कर सकते हैं। तो हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, सिर्फ एक्टिंग। अगर आप में टैलेंट है तो आई डोंट थिंक कोई आपको रोक सकता है सक्सेस से। तो आपने जो किरदार जो आपने रचे हैं, गढ़े हैं, गीत से शुरू करूंगा, तो कौन से किरदार, मुझे क्लियरली याद आता है कि जो सुरभि ज्योति एकदम नया टैलेंट थी, तो जब वो जोया बनकर आई, या फिर खुशी, यू नो, इस प्यार को क्या नाम दूँ, और अभी इमली, या फिर नज़र के किरदार,
ढेर सारे, तो कौन कौन से किरदार डू यू थिंक हैव बीन योर फेवरेट एंड यू हैड मज़ेदार टाइम उनको ग्रूम करने में, उनको रहने में? ऑल फन, सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, सब एक मतलब फ्रेशर्स होते हैं, या तो एक आध शो ही किया होता है तो इतने ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता है, तो मेरे को एक्चुअली सारे एक्टर्स के साथ ही काम करने में, और जैसे जैसे एक्टर्स क्योंकि वो अच्छे हैं वो एपिसोड दर एपिसोड बेटर होते जाते हैं, आप उनको देखो फर्स्ट एपिसोड में, चाहे सुरभि को देखो, दृष्टि को देखो, सुम्बुल को देखो, सनाया ज्योति, दे ऑल लाइक यू नो बाय द टाइम एक साल दो साल दे ग्रो एंड दे ऑल हैव ग्रोन इनटू ब्लॉसम्ड इनटू सच ग्रेट एक्टर्स, सो या इट्स लाइक फन टू वर्क विद ऑल ऑफ देम। लेकिन लड़कों को भी आपने बहुत सारे टेलीविजन को बहुत सारे आपने इंटरेस्टिंग फेसेस दिए हैं, स्टार्स दिए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम गुरमीत चौधरी, ही वाज ऑलरेडी राम जी का आपने एकदम इमेज बदल दी थी जब वो आए मान बनकर, एंड फिर ऑफ कोर्स वरुण सोपती एंड यू नो नकुल, सो मेनी पीपल, सो हैड अ वेरी सीधा सादा इमेज, एंड देन फिर ही बिकेम लाइक द बैड बॉय शिवाय सिंह ओबेरॉय। तो कौन कौन से ऐसे मेल कैरेक्टर्स विच यू हैव गिवन टू टेलीविजन कम्स टू योर माइंड, विच डू थिंक इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन? There are a lot of them. I mean, सारे heroes ही हैं, मतलब they all have done a great job. मान सिंह खुराना is there, Arnab Singh Raizada is there, शिवाय सिंह ओबेरॉय is there, असद अहमद खान is there. एक तो हमारे हीरो के सबके तीन नाम होते हैं. Then Imli's hero is there, Aditya, who is actually Kashmir also has not done any in Hindi TV per se. He is also a Marathi film actor. So they all have like contributed to the industry a lot, I think. Given a lot of people, a lot of inspiration. लेकिन अभी जब जब से ये कोरोना के बाद जो हम पोस्ट कोविड दुनिया की बात कर रहे हैं, लोगों को लगता है कि सीरियल्स अपना चार्म खो रहे हैं, ये वेब सीरीज़ उन पे हावी हो रही हैं, तो मुझे लगता है इट्स अ मिथ और इट्स रियली द ट्रुथ? वेब सीरीज़ हावी हो रही है तो कहना बहुत मुश्किल है, तो वेब सीरीज़ वाले अपने नंबर छुपा के रखते हैं। तो मुझे तो ये कंपैरिजन ही नहीं समझ में आता, अगर आप नंबर ही नहीं बता रहे हो तो कोई भी कंपैरिजन कैसे करेगा। और दूसरी बात है, जैसे डेली सोप है, अभी फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि वेब सीरीज इस वक्त, हो सकता है एक या दो वेब सीरीज़ हो जो बहुत ही आगे निकल गई हो, बट अदरवाइज़ डेली सोप को इस वक्त मुकाबला करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लाइन इतनी डिवाइडेड नहीं है। वेब डेली सोप भी अब डिजिटल पे ही आता है, जैसे जैसे इश्कबाज हॉटस्टार पे बहुत अच्छा करता था, कई सालों तक हॉटस्टार पे नंबर वन था, तो अभी आप उसको क्या बोलेंगे? वो एक डेली सोप है जो वेब सीरीज़ में नंबर वन है। जब नज़र था तो नज़र भी बहुत अच्छा करता था, इस प्यार को क्या नाम दूँ, वन, जिसको बने हुए 10 साल हो गए, वो कई बार आज भी टॉप 10 में रहता है। तो अभी अभी वो डिवीज़न ख़त्म, मतलब क्या बोलोगे, अब वो डेली सोप था लेकिन अब वो डिजिटल में टॉप 10 में है, तो वो डिवीज़न एक ब्लर हो गया है। अगर टीवी अलग होता और डिजिटल अलग होता तब आप जो बोल रहे हैं वो कंपेरिजन वैलिड होता, अब तो सारी लाइनें मर्ज हो गई हैं। तो मैं अगर बात करूं कंटेंट की, जो कंटेंट टेलीविज़न पर आता है, बोलते हैं तो सो कॉल्ड सास बहू ड्रामा रिग्रेसिव है, वही सास बहू की लड़ाई, पर आई थिंक समवेयर वो हमारा कल्चर ही है, हम रामायण हर साल देखते हैं, रामलीला देखते हैं, तो कुछ कहानियां होती हैं तो सो कॉल्ड सास बहू ड्रामाज आई थिंक विच आर रियल, और उसमें अगर हम ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करें तो पीपल रिजेक्टेड, डू यू थिंक इट्स लाइक अ वेरी कैच 22 सिचुएशन फॉर द मेकर्स, क्या दिखाएं, बिकॉज हम ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो भी रिजेक्ट हो जाएंगे, वी हैव टू, सो वॉट इज़ दिस? It is a catch 22 situation because daily soap abhi bhi women are watching, women of a certain age are watching, women of a certain age who have time are watching. So it's very very, the target audience is very very specific. So you have to cater to them, and honestly saas bahu to mujhe lagta hai universal concept hai, aap usse matlab aap ja hi nahi sakte kahin, jaise agar aap koi पिछले 10 साल की बड़ी फिल्म भी अगर ले लो, जैसे क्रेजी रिच एशियंस था, इसमें मिशेल यो थी, वो भी सास बनी थी, एंड वो टसल भी सास बहू का ही था। मैं उस दिन वो देखी थी द गुड वाइफ, विच वाज लाइक यू नो अबाउट दिस वुमन जो लॉयर बनती है, आपने देखा है गुड वाइफ? जी मैंने सुना है। तो उसमें भी अंडरटोन्स थे, अभी ये सारे हॉलीवुड के शो हैं, कोरियन शोज हैं, उसमें भी अंडरटोन्स थे कि सास बहू के। ऑफकोर्स डेली सोप इस वक्त उसमें है क्योंकि हमारा टारगेट ऑडियंस वो है, बट आई एम होपिंग के जैसे मैंने आपको कहा लाइंस मर्ज हो रही हैं, सो आई एम होपिंग जब डेली सोप डिजिटल पे जाएगा तब हम अलग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कोरियन शोज की आपने बात की तो आजकल दैट्स द इन थिंग, मतलब बहुत एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, तो एंड कहीं ना कहीं आई फाइंड कोरियन शोज वेरी इंडियन टू वॉच, वेरी इंडियन एक्चुअली। होल साउथ ईस्ट एशियन का एक होमोजेनस कल्चर है, वो जो बड़ों की इज्जत करना, डेटिंग कल्चर उतना हमारा अमेरिकन जैसा नहीं है पूरे एशियन का, फैमिली वैल्यूज़ बहुत मिलते हैं,
तो इसलिए आई थिंक कल्चरली वी आर वेरी सिमिलर टू अ लॉट ऑफ कोरियन चाइनीज इंडोनेशियन शोज. एक और मेरे बहुत पर्सनल फेवरेट जॉनर है वो आई थिंक थोड़ा सा मुझे आपके शो में जो लगता है पाकिस्तानी शोज विच आई थिंक हम टेलीविजन में पाकिस्तान से वी शुड रियली गेट. आई मीट सो मेनी पाकिस्तानी एक्टर्स ऑलवेज से दैम कि बहुत अच्छा कॉन्टेंट बनाते हैं. कहीं ना कहीं आपकी तन्हाइयाँ कबूल हैं देवर लाइक इंस्पायर्ड फ्रॉम दोज पाकिस्तानी ड्रामाज. तो डू यू थिंक वो कितना इंस्पिरेशनल है हमारे लिए दोज बिकॉज आई एम मोर इंस्पायर्ड विद कोरियन बिकॉज आई हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ लाइक अबाउट 6.5-7 ईयर्स इन साउथ ईस्ट एशिया. आई हैव लिव्ड इन इंडोनेशिया एंड मेड कॉन्टेंट वहाँ के लिए बहुत साल. तो मेरा काम एक्चुअली बहुत ज़्यादा अगर आप देखो इस प्यार को क्या नाम दूँ वो लड़की जिस तरह से हंसती हैं या पागलपन थोड़ा करती हैं तो आई थिंक आई एम वेरी इन्फ्लुएंस मोर बाई द कोरियन शोज. पाकिस्तानी शोज थोड़े ज़्यादा संजीदा होते हैं. हाँ हमारे शोज थोड़े ज़्यादा खुशहाल और थोड़े एस्पिरेशनल होते हैं बहुत ज़्यादा. कौन कौन से कोरियन ड्रामा डू यू थिंक यू रिकमेंड पीपल टू वॉच? ओ आई हैव लाइक अभी तो द होल वर्ल्ड इज वॉचिंग द स्क्विड गेम. हैव यू सीन इट? सो या आई मीन आई लव्ड इट बट अदरवाइज देयर इज अ लिस्ट ऑफ कोरियन शोज एंड आई थिंक जो कोरियन शो के फैंस होते हैं उन्होंने ये सारे शोज देखे होते हैं. बट फिर भी आई विल टेल यू लाइक आई लव बॉयज ओवर फ्लावर्स. हैव यू सीन इट? एंड देन क्रैश लैंडिंग ऑन यू and my secretary what's wrong with secretary Kim. So all these 2-3 shows are like, you know, and Strong Girl Gumsum. So these are only the Korean fans will know what I'm talking about. So now I'll also start watching because I've just watched Squid Game and I'm like really loving this genre already. Lekin India mein agar hum baat kare to hamara itna bada country hai which is like इतने हमारे कल्चर्स हैं सब कल्चर्स हैं तो जो हिंदी स्पीकिंग मार्केट स्पेशली जो है जो सबसे बड़ा मे बी मे नॉट बी तमिल इंडस्ट्री इज ऑल्सो ग्रोइंग उसमें आपको आने वाले टाइम में अभी अगले 5 सालों में आपको लगता है किस तरह का बदलाव लोगों के व्यूइंग पैटर्न में डू यू फोकास्ट दैट किस तरह के और कहानियाँ आएंगी? लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी इमली जैसा शो या फिर अनुपमा जैसा जो कहीं ना कहीं स्मॉल टाउन की कहानियाँ हैं. सो आई थिंक समवेयर स्मॉल टाउन स्टोरीज विल बी वॉच मोर. व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल बी द ट्रेंड? मोर ऑनेस्ट स्टोरीज विल बी वॉच्ड. स्टोरीज जिसमें कोई ऐसी चीज़ है कि आप हार्टलैंड इंडिया कनेक्ट हो जाए. और अभी जो डिविजन है कि डिजिटल नीच है डेली सोप हार्टलैंड मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं मर्ज हो जाएगा और वो हो ही जाएगा पिछले एक्चुअली 2-3 साल में ही हो जाएगा. और फिर ऐसी कहानियाँ मुझे लगता है जो ऑनेस्ट हैं जो आम हिंदुस्तानी एक आइडेंटिफाई कर पाए वही कहानियाँ चलेंगी. अब चाहे वो मतलब इंग्ली हो चाहे वो स्क्विड गेम हो जैसे स्क्विड गेम की भी रियलिटी क्या है कि जो लोग हैं उनके पास पैसा नहीं है माँ बीमार एक्चुअली आप देखो तो वही जो हम अमर अकबर एंथनी में कब से देखते आ रहे हैं ना कि मतलब माँ बीमार है आपके पास पैसे नहीं हैं एक बेटा है वो घर नहीं जा पा रहा है क्योंकि उसकी नौकरी चली गई है एक लड़की है उसका भाई अनाथ आश्रम में है और वो उसको वहाँ से ले जा नहीं पा रही क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है. तो एक्चुअली कल्चरली भी मतलब हमारे भी प्रॉब्लम्स सेम ही हैं. तो आई थिंक ये ऐसे प्रॉब्लम्स जो मास से रेजोनेट करें वही शोज़ हमेशा चलते हैं. लाइफ में आप कितने सीरियल्स देखती हैं? आप रियली यू आर लाइक अ टीवी बफ लाइक कितना कुछ आई मीन कोरियन शोज आपने बताए तो व्हाट इज योर व्यूइंग हैबिट? या आई वॉच अ लॉट लाइक मैं दिन में कम से कम 4 या 5 एपिसोड तो देखना ही देखना है चाहे कितने बजे भी. एंड आई वॉच अ लॉट ऑफ हिंदी शोज ऑल्सो जैसे अनुपमा मुझे बहुत पसंद है. आई एम अ ह्यूज फैन. जो हमें देखना होता है अपने शोज तो वो देखते ही. देन आई सी अ लॉट ऑफ जो शोज अच्छे कर रहे हैं जैसे अभी वो उड़ानियाँ अच्छा चल रहा था तो आई वॉज़ वॉचिंग कि क्या ऐसा क्या उसमें हो रहा है. और जब कुमकुम चलता था कुमकुम कुंडली सो आई यूज़ टू वॉच देम एंड आई लाइक अ लॉट ऑफ लाइक राइट नाउ आई लव अनुपमा. उसके पहले आई वॉज़ द बिगेस्ट फैन वो शशि का शो था जो पुलिस वाली जो दिया और बात थी. हाँ सो यू नो समथिंग दैट यू कैन कनेक्ट टू समथिंग दैट इज़ एस्पिरेशनल. आई फाइंड अनुपमा रियली एस्पिरेशनल बिकॉज वो लोग जो मुद्दे उठाते हैं दैट इज़ वॉट यू आस्किंग कि क्या चलेगा यही चलेगा जिससे लोग रिलेट. अभी वो सास बहू हो नहीं हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जिससे आप रिलेट कर सको जो आपकी ज़िंदगी का मसला है और आप वही मसला दिखा रहे हैं दैट इज़ वॉट विल वर्क. तो ये बताएं कि आजकल आप किस पे काम कर रही हैं? आपके जो शोज तो आ रहे हैं मैंने सुना नज़र पे भी काम चल रहा है तो वॉट एंड आई मस्ट टेल यू जहाँ बैठे हुए हैं ये गुल मैम का राइटर स्टूडियो है यहीं पे आइडियाज़ डेवलप होते हैं यहीं पे कहानियाँ आगे बढ़ती हैं उनका क्या होगा किरदारों का यहाँ पे होता है. सो कितनी बड़ी आपकी टीम है कितने शोज पे आप आजकल काम कर रहे हैं? वॉट इज़ योर डे इन लाइफ इज? सी इट्स लाइक डे इज प्रीटी हेक्टिक बिकॉज हर शो की अपनी टीम होती है. तो टीवी में बहुत एफिशिएंट लोग होते हैं
राइटर्स आर एफिशिएंट, क्योंकि एक एपिसोड रोज जाना ही जाना है, एक एपिसोड आपको शूट करना ही करना है, एक एपिसोड आपको एडिट करना ही करना है, और एक शो के 22 से 25 एपिसोड होते हैं, मंडे टू सैटरडे होता है, मंडे टू सैटरडे. तो वी हैव ह्यूज टीम्स, बिकॉज टू हैव लाइक यू नो कि 30 एपिसोड महीने के हर शो के जाएँ बहुत मुश्किल बात होती है. बट थैंकफुली बॉम्बे इज़ अ वेरी एफिशिएंट इंडस्ट्री एंड वी मूव फास्ट, सो आई हैव ग्रेट टीम्स थैंकफुली, थैंक्स टू देम. एंड वॉट आई एम वर्किंग ऑन करेंटली इज हाफ द टाइम वी कैन से, बट आई विल से दिस दैट आई एम डेफिनेटली वर्किंग ऑन एट लीस्ट 3 मोर न्यू शोज एंड डेफिनेटली वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ OTT ऑल्सो. OTT की बात चली, वैसे आप यू वर द फर्स्ट वन हु एक्चुअली टुक द प्लंज, बिकॉज रिमेंबर तन्हाइयां वाज द फर्स्ट शो एवर, उस जमाने में नहीं हुआ करते थे, वी वर लाइक शॉक्ड, हाउ कुड विच, ये क्या है, इंटरनेट पे भरूं तो अब क्यों आ रहा है, तो वी वर कंफ्यूज, बट वो टाइम तन्हाइयां आई थिंक इट वॉज वेरी अहेड ऑफ इट्स टाइम रियली, हम लोग तब समझ नहीं पाए थे लेकिन आज समझते हैं. तो वो उस जमाने में आपने OTT पे प्लंज लिया था, तो हाउ, व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस लाइक? इट वाज ग्रेट, इट वाज ग्रेट. सी, आई हैव सच अ लॉन्ग टर्म वर्किंग रिलेशनशिप विद स्टार, सो देन प्लेटफॉर्म डजंट मैटर. एंड दीज टू आर ऑल्सो लाइक यू नो वरुण एंड सुरभि, दे आर लाइक यू नो दे आर पार्ट ऑफ माई टीम ऑलवेज, वी कीप ऑन एंड ऑफ कीप वर्किंग, सो इट्स लाइक स्टार एंड यू नो वरुण एंड सुरभि प्रीटी कम्फर्ट जोन. So it was, we were very excited about it, but at that time no other show was there, so it was just one Tanhaiya somewhere. If it would have come now, it would have created a different buzz, maybe a new season of that show, maybe, I don't know, that depends on star. Yes. Yeah. चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत सारे आज इनसाइट्स आपने दिए. जाते जाते आपके बहुत सारे फैंस, आई नो सो मैनी व्यूअर्स फॉलो यू, एंड व्हाट यू हैव टू से टू दोज व्यूअर्स, स्पेशली विद द कास्टिंग जो थिंग है, क्या एक बार आप उन्हें जरा डायरेक्टली बता दें, जो लोग सपने देखना चाहते हैं, वो इमली बनना चाहते हैं, खुशी बनना चाहते हैं, अर्णव बनना चाहते हैं, व्हाट यू हैव टू से टू द व्यूअर्स? सो व्हाट आई हैव टू से टू दोज व्यूअर्स, कि अगर आप सपने देख रहे हैं कि आप एक्टर बनना चाहते हैं और आप बॉम्बे आना चाहते हैं लेकिन आप बॉम्बे नहीं आ पा रहे हैं, तो ये रास्ता हमने आपके लिए आसान किया है. आप इस वेबसाइट पर जाइए, अपने घर पे ऑडिशन करिए और वहाँ से हमें भेज दीजिए, और अगर आप एक्टिंग कर सकते हैं तो वी विल पर्सनली पिक यू अप. सो बेस्ट ऑफ लक एंड सेंड इट टू अस फास्ट. थैंक यू सो मच गुल, सच अ प्लेजर टू टॉक टू यू, एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर ब्यूटीफुल कॉन्टेंट फ्रॉम यू. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू.